pray that she succeeds in this line. She has done a very wonderful job. She looked good, she danced well, and she directed the whole music video very well. God bless her. इतनी ज़्यादा समझ है नहीं, पर गाना कानों को अच्छा लगा है, कोरियोग्राफ अच्छा किया गया है, कृष्णा जी ने काम अच्छा किया है, जो साथ में आर्टिस्ट था उसने भी काम अच्छा किया है, सेट भी अच्छा था, और जो दूसरे गाने का टीजर है वो भी अच्छा लगा है, डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट लुक। मेरी बस यही ऊपर वाले से प्रार्थना है कि ये सक्सेसफुल रहें, इनका काम सबको पसंद आए, इनके साथ जितनी टीम है उन सबको सबको सक्सेस मिले, एंड गुड लक टू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस। क्या बात है। कृष्णा जी, व्हाट वुड यू लाइक टू से? सर ने काफी कुछ बोला, अंदर भी जिस तरह आपको प्रेज किया काफी अच्छा। टेल अस समथिंग अबाउट हिम। ही इज माय फादर, ही विल ऑलवेज प्रेज मी। ही विल ऑलवेज प्रेज मी, इवन इफ आई वोंट डू गुड, ही विल प्रेज मी। तो मतलब मेरे किया कराए पे पानी डाल दिया। ऐसा नहीं है, बट ही इज माय फादर। मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने बोला है, ठीक है, इनके फादर मेरे दोस्त हैं, तो ये उस चीज का फायदा भी उठा लेते हैं। हां, सम टाइम्स। या कितने जल्द आपकी फिल्मों में हम देखने मिलेगा? जल्दी। ब्राइट जिंदाबाद। ब्राइट से ब्राइटनेस आती है फिल्म इंडस्ट्री को, और ब्राइट अभी इन गाने को भी ब्राइट करेंगे। यस सर, करोगे ना? यस, करेंगे ना? 100% करने वाला ऑलरेडी खर्च दिया है। थ्री मूड्स इन द सॉन्ग। फर्स्ट रेड, व्हिच इज द मूड ऑफ एंगर, एंगर बिकॉज़ दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ब्रेकअप एंड दे आर एंग्री विद ईच अदर। एंड सेकंड, व्हेन दे स्लोली व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग इंटिमेटेड, देन मूड शुड चेंज, इट शुड बी वाइड, कि ओके देर शुड बी पॉसिबिलिटी, देर इज पॉसिबिलिटी कि ओके दे कैन कम टूगेदर अगेन। एंड थर्ड लास्टली, वेन इट कम्स टू ब्लैक, इट मीन्स नो, देर इज नो पॉसिबिलिटी, बिकॉज देर आर फ्यू रिलेशनशिप्स जिसमें कुछ रीजन नहीं होता अलग होने का, बट बस चीजें हो जाती हैं, इट्स ह्यूमन नेचर। सो द गाय इज जेंटलमैन, कॉस्ट्यूम स्पीक्स, आर ड्रेस, वॉट एवर वी वेयर, इट स्पीक्स। सो द गाय इज वेयरिंग सूट, इट मीन्स ही इज अ जेंटलमैन, एंड ही हैज कम टू पेसिफाई हिज गर्लफ्रेंड। बदुआ सॉन्ग जब मैंने सुना था, स्क्रैच सुना था, सो आई थिंक दे वर प्लानिंग सम अदर सिंगर, बट व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस स्क्रैच में, आई टोल्ड हिम स्ट्रिक्टली कि मुझे यही आवाज़ चाहिए और कोई आवाज़ ही नहीं चाहिए। ही हैज़ यू नो, वो मिरेकल आवाज़ में है, बहुत अमेजिंग वॉइस है इनकी। एंड एंड देन जर्नी स्टार्टेड, दैट्स इट। वी मेड द सॉन्ग, वी प्लान शूट, I directed the song, I produced it. गाना इन्होंने produce किया, video मैंने produce किया. So that's how we collaborated basically. And Pawan ji ki lyrics काफी amazing. हाँ. कुछ अगर बता And yeah, he is just 21 years old, and it's amazing that the way he has written the song, it's unbelievable. It's amazing. बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने. God bless him. And whose idea was it to you will feature and you will direct the song, and kitna difficult tha aapke liye, kitna challenging tha ki direct bhi karna hai and act bhi karna hai? I think maine iske liye bahut sare auditions liye the, aur last moment tak bahut sare actors ko mujhe replace karna pada, end moment pe I decided ki okay I am doing it, and I was not finding a good actor, male actor. So Mukesh Chhabra is a very good friend,
So I just went to him and I told him, see, I'm not able to find anybody, you have to give me somebody. So Sahil ki casting Mukesh ne ki hai. And how was your experience working with him, with Sahil? He is very competent. He's very good. Very good guy. Very cooperative, very hard working. कोई tantrum throw नहीं किया set पे. हालांकि it's a new label, it's new music label. He trusted us and he trusted my direction. However, whatever I did, he followed it. So I'm thankful to him as well. योगेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? गाना आपने देखा, कैसा लगा आपको, और थोड़ा सा बताइए कैसी परफॉर्मेंस लगी? बहुत ही ब्यूटीफुल, सबसे फैंटास्टिक गाना और अच्छा परफॉर्मेंस है, और मैं तो देख के बहुत खुश हो गया. और मेरे दोस्त थे कदम भाई, जिन्होंने मुझे मैडम से इंट्रोड्यूस किया, और मैडम के अंदर जो मैंने कॉन्फिडेंट देखा, मैडम स्पेशली मतलब ब्यूटी विद ब्रेन है, और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, और हर एक लाखों फिल्म और लाखों गाने और एल्बम के जैसे इसमें भी ब्राइट आउटडोर पार्टनर है. मुझे खुशी है, और अभी तक मैंने लोगों के से दुआ ही मांगी थी. आज बद्दुआ देखने के बाद लगा कि बद्दुआ जैसी कोई चीज़ भी अच्छी बन सकती है. और कोई कोलैबोरेशन हो सकते हैं इन फ्यूचर, अगर आप उस बारे में कुछ? श्योर श्योर श्योर, मेरा ब्राइट ऑलवेज ओपन है. बहुत जल्दी आप लोग एक फिल्म देखेंगे जिसको मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ. उस फिल्म का नाम है ए जिंदगी गले लगा ले, और वो बहुत जल्दी फ्लोर पे जाने वाली है, और उसको मैं खुद प्रोड्यूस भी कर रही हूँ और डायरेक्ट भी कर रही हूँ, एक्ट भी कर रही हूँ. बद्दुआ हमेशा बुरा नहीं होता है, बद्दुआ अच्छा भी होता है. एक कोट है जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, कि जब मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ बेसिकली, तो जब इंसान, जब ईश्वर को किसी से बहुत बदला लेना होता है ना, रिवेंज लेना होता है, तो उसको बहुत सारा पैसा दे देता है. तो वो भी बद्दुआ ही है. शिवम, आप क्या कहना चाहेंगे, अगर कुछ बताएं आप, कैसे कोलैबोरेशन हुआ कृष्णा जी के साथ, और जैसा ऐसी बद्दुआ हमको मिल जाए? मैं आपको बद्दुआ देती हूँ कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने. जब मैं मतलब मेरी कास्टिंग करी गई थी, तो मैं कृष्णा से मेरी बात हुई थी, तो जब तक उन्होंने बहुत से कास्टिंग करी, और मतलब उनके पास बहुत सारे एक्टर्स थे, बट जब मैं मिला था उनसे, तो एट लास्ट जब मुझे पता लगा कि उन्होंने मेरे साथ मतलब फाइनल करा है अपना प्रोजेक्ट, तो मुझे एक तो जब मैंने पहली मीटिंग में उनसे मिला था, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि वो बहुत प्रोफेशनल, मतलब वो प्रोफेशनल है बहुत अपने काम को लेकर. तो वही चीज़ मैंने सेट पर भी महसूस करी, और बहुत एक अच्छा मास्टरपीस निकल के आया. तो आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप सब देखें उसको जब वो लॉन्च हो. थैंक यू सो मच. और एक रिक्वेस्ट है कि आप सॉन्ग देखने के बाद जेन्युइन रिव्यूज दें, उस पर जेन्युइन रिव्यूज दें. सिर्फ इसलिए नहीं कि ठीक है, मतलब वी हैव मेड सम एफर्ट, तो ओके तारीफ करनी है. तो ये एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सॉन्ग देखे उस पर एक जेन्युइन रिव्यू जरूर दें कि कैसा किया है आपने. आपको मैं एक शॉकिंग अगर कुछ बताऊंगी, तो बेसिकली फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस कर रही थी, और टेक्निकल टीम के साथ जो मुझे मैनेज करना पड़ा, वो मेरे लिए सबसे टफ था, क्योंकि हमारा हाफ डे का फुटेज डिलीट हो चुका था, हमें रीशूट करना पड़ा. सो वो एज अ न्यू प्रोड्यूसर आई लर्न्ड मेनी थिंग्स ऑन द सेट, मेनी थिंग्स, कि यू नो वॉट वी शुड डू, वॉट वी शुड नॉट डू. तो मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी नए प्रोड्यूसर्स को, कि फंड्स उतना ही लगता है, इन्वेस्टमेंट उतना ही लगता है. लोग पैसे बचाने के चक्कर में यू नो एवरेज लोगों को भी ले लेते हैं टेक्नीशियन, बट अगर उतना ही लगता है, तो आप अच्छे टेक्नीशियंस को लें, अच्छे से काम करें, और एटलीस्ट ये हेडेक नहीं होगा, क्योंकि हाफ डे का फुटेज डिलीट होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रोड्यूसर के लिए कितनी बड़ी बात होती है. तो इवन आफ्टर बेयरिंग ऑल दीज थिंग्स, वी मैनेज्ड टू एडिट द सॉन्ग, टू कंप्लीट द सॉन्ग,
and to release the song. और एक साहिल के डेब्यू के खुला था आप करने ये सही नहीं किया आपकी गलती होती तो कैसे आप देखते थे गलती की कि नहीं कि आपने डेब्यू सॉरी आई डिड मतलब आपका जो टेक होगा आप ये होंगे आपस मॉनिटर में लगा कि इशू करूं या कुछ करे या रीटेक करे नहीं हम दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और हम लोगों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है सेट पे ही इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर एंड मुझे लगता है कि यू नो मैंने आज तक रीटेक्स नहीं दिया है मैंने जो पहले भी काम किया है मेरा एक टेक में शॉट हो जाता है बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर को या सामने वाले को क्या चाहिए तो उस स्किन में मैं बहुत जल्दी घुस जाती हूँ तो हम दोनों की वजह से सेट पे कोई इशू नहीं हुआ है अमित जी सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा है क्या कहना चाहेंगे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल गए थोड़ा सा बताइए गाने के बारे में और दो लाइनें हो जाए अगर आपकी आवाज गाना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैंने दो गाने किए कृष्णा के साथ और थैंकफुली मैं गा रहा हूँ इस बार अदरवाइज मैं कंपोज ही करता हूँ नहीं तो प्रोड्यूस कर रहा हूँ और ऐसे टाइप का गाना नॉर्मली कोई मांगता भी नहीं है कोई प्रोड्यूसर नहीं मांगे तो मैं लकी कि मुझे मेरा एक यू नो मेरा क्रिएटिविटी दिखाने का मेरे मौका मिला एंड ग्लैड बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकला है बहुत अच्छा शूट हुआ दोनों वीडियो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है दोनों बहुत भाई कमाल लग रहे हैं बहुत अच्छा लोकेशन पे शूट किया है और ग्लैड कि गाना हो गया अभी और दो गाने बेसिकली दो लाइन सिर्फ ये दो गाने नहीं है एक और इनका मास्टरपीस है जिसको हम रिवील नहीं कर रहे हैं अभी हाँ काफी कुछ एक्चुअली प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग साथ में हाँ हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं साथ में लेकिन जो बेस्ट सॉन्ग है वो ये टू कम करेक्ट तो दो लाइन दो लाइन सुन ले तो बेवफा वफाओं का क्या सिला दिया दुआएं तेरे नाम से सबकी तूने तो मुझे बद्दुआ दिया हुआ क्यों न तेरे काबिल तेरे बिन न होगे कामिल क्या क्या किए तेरे खातिर के हो न हम जुदा तुझे तो मैं मानता हाफिज तूने तो मुझे गमजदा किया दुआएं तेरे नाम से सबकी तूने तो मुझे बद्दुआ दिया आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में बहुत दुख दिख रहा है ऑलरेडी दिख रहा है बद्दुआ है थैंक यू सो मच एवरीवन गाना पसंद करने के लिए बहुत सुनिए शेयर कीजिए सबको सुनाइए और प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए अभी शेयर XYZ म्यूजिक को आप सब्सक्राइब कीजिए सारे के सारे थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू सो वो जो आपने इमोशंस और लव की बात की जो हम वीडियो में देख सकते हैं गाना अभी हम फिर से प्ले करेंगे थोड़ी देर में आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है जब आप उनकी तरफ देखती हैं साहिल सनाटिया जी की तरफ तो एक्सप्रेशन से ही आप ऑडियंस को कैच कर लेते हैं एंड ऑडियंस लाइक कनेक्टेड कनेक्ट फील करती है जब भी हम ये गाना देख रहे हैं यू वर लुकिंग ब्यूटिफुल इतनी ग्रेसफुल लग रहे हो आपकी एक्टिंग एवरीथिंग वॉज सो ब्यूटिफुल एंड दिस इज अ जेन्युइन व्हाट आई एम टेलिंग यू अभी हमारे बीच में शिवम जी भी हैं शिवम जी प्लीज यहाँ पे आइए हमारा जो दूसरा गाना है रूबरू उसमें शिवम जी ने बहुत ही खूबसूरती से एक्ट किया जोरदार तालियां हो जाए शिवम जी के लिए यहाँ पे साहिल नहीं है बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसने बहुत अच्छा काम किया है उसने बहुत कोऑपरेट किया सेट पे और बहुत ही अच्छा काम किया है उसने बेशक वो यहाँ पे नहीं है बट इट डजंट मीन दैट वी शुड नॉट रिमेम्बर हिम ही हैज डन अ फैबुलस जॉब and it is you know anybody can see that the way he has danced the way he has given expressions mujhe nahi lagta ki uske alawa koi aur actor itna de pata is song mein so I'm really grateful to him also and I'm thankful to him agar wo sune is cheez ko so main bahut khush hu uske kaam se मैंने इस सॉन्ग को प्रोड्यूस किया है मैंने डायरेक्ट किया है मैंने उसकी कास्टिंग की है मुझे नहीं लगा था कि वो इतना अच्छा काम करेगा बट व्हेन ही केम ऑन सेट ही केम विथ यू नो डिफरेंट एनर्जी एंड ही गेव हिज 1000% सो वी शुड आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम थैंक यू सो अभी साहिल जी ने तो बहुत अच्छा खूबसूरती से एक्ट किया और हमें भी बहुत पसंद आया
और जो आपका अगला गाना आने वाला है रूबरू, उसमें जो एक्टर है द हैंडसम गाय इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, सो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस शिवम जी के बारे में? ही इज वेरी गुड लुकिंग, ही इज वेरी गुड एक्टर एंड ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल है, बहुत कोऑपरेट किया और लिटरली आई एम वेरी लकी कि पहली बार प्रोडक्शन किया मैंने, पहली बार प्रोड्यूस किया है, इट्स न्यू लेबल, नया म्यूजिक लेबल है और दोनों ही एक्टर्स ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। जैसा कि आप सभी ने देखा अभी टीजर में, जो एक मास्टरपीस होता है उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है, बट मेरा मानना यह है कहीं ना कहीं जब आप सब लोग ये देखेंगे तो कुछ आपको गलत भी लगेगा, कुछ अच्छा भी लगेगा, तो आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल पर जाके इसको कमेंट करें जो आपको अच्छा लगा या जो बुरा लगा, हम उसको आगे उस पर काम करने के लिए आगे मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जैसा कि शूट पर मैंने जो एक कृष्णा का अदर साइड भी देखा है जो कि बहुत ही कम लोग देख पाते हैं, ये मतलब एक कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए। और बट प्रोडक्शन जब कर रहे होते हो आप, इतना सब कुछ कर रहे होते हो तो ये भी चीज जरूरी होती है, एंगर और जो सारी चीजों को लाइन अप करना पड़ता है तो वो भी रहता है, बट इट्स गुड, सो इट वाज ग्रेट वर्किंग विद कृष्णा। ये तारीफ थी मेरी। हाँ, ये तारीफ थी। अदर साइड मतलब कि वो जरूरी होता है लाइफ में, हर किसी के में, जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो आपको सीरियस भी होना पड़ता है, गुस्सा भी करना पड़ता है, तो खुश भी करना पड़ता है, सब चीज होता है। बेसिकली व्हेन यू वर्क एज वन मैन आर्मी यू हैव टू बी एवरीथिंग। आई वाज हैंडलिंग डायरेक्शन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मैनेजर भी मैं ही थी, स्क्रीन भी मैं हैंडल कर रही थी और एक्टर्स को भी हैंडल कर रही थी, तो समटाइम्स गुस्सा तो बनता ही है ना। बिल्कुल बनता है ना, बिल्कुल। सो बहुत बहुत सारी विशेज और हम सब अभी सब्सक्राइब करेंगे एक्स वाई जेड म्यूजिक और सभी लोग प्लीज। यस, सो पवन मिश्रा जी ने गाने लिखे हैं दोनों और बहुत अच्छे गाने लिखे हैं उन्होंने। He is in Delhi. He is just 21 years old. और I would call him बच्चा only. 21 साल के लड़के ने जो ये गाना लिख दिया है और आगे उसके साथ में बहुत सारे songs कर रही हूँ। He is writing 40 songs for me and he is so intelligent, so good. बहुत अच्छा writer है। तो next time जब हम कुछ लॉन्च करेंगे वो सॉन्ग उन्होंने नहीं लिखा है, वो सॉन्ग अमित ने लिखा है, राइट? तो रूबरू अमित ने लिखा है, बधुआ पवन ने लिखा है, बट कुछ और भी सॉन्ग्स हैं जिसको पवन ने लिखा है एंड आई वुड वांट कि नेक्स्ट टाइम जब हम लॉन्च करें तो ही शुड बी हियर। दैट्स इट, थैंक यू।